हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और दोस्तों, हम उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं ये बात। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, तो जिसके अंदर आज जो है हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले पिछले वीडियो के अंदर जो है हमने रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जो है चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो समझते हुए चलिए। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब से हम पूरे हफ्ते जो है आपका ये जो नोट्स हैं, आपके थ्योरीज हैं, वो करेंगे। और आपके जो वीकेंड होगा सैटरडे और संडे, उसके उस पे हम जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा शेड्यूल रहेगा। तो आप लोग इसी तरीके से अपने आपको अपनी जो है तैयारी जो है वो करते रहिए और रेगुलर जो है वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और कोई और भी अगर पढ़ने वाला है तो आप जरूर उसको बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, न्यूक्लियर रिएक्शंस की। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस की, सॉरी। तो बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस विच ऑपरेट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार की जो फोर्सेस यानी ताकतें आपके काम करती हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो दो प्रकार के फोर्स हैं, एक तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये दो प्रकार की जो चीजें हैं ये आपके काम करती हैं पूरा हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिपेंडिंग ऑन वेदर द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग द सेम और डिफरेंट चार्जेस। सिंस द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो नाभिक होता है आपका, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या दो चीजें कौन सी होती हैं आपकी, एक होते हैं आपके प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, और दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स। और ये दोनों ही मिलके कहलाते हैं दोस्तों, कंबाइन में इनको कहते हैं आप न्यूक्लियॉन्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके कहलाते हैं आपके न्यूक्लियॉन्स। और ये जो प्रोटॉन होते हैं, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण एक दूसरे पर ये एक प्रकार का फोर्स लगाते हैं जिसको कहते हैं रिपल्सिव आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स कॉजेज द रिपल्सन बिटवीन द वेरियस प्रोटॉन्स। इसके कारण से क्या होगा, जो अलग अलग हमारे प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है, एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड हेंस मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल। दिस द मैग्निट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने का काम करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो रिपल्सिव फोर्स को इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा सॉरी। और साथ के साथ जो डिस्टेंस होता है प्रोटॉन्स की, अगर वो इनके बीच की एकदम ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं, तो पास होने के कारण से ज्यादा जो है ये लगेगा, अगर एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं तो दूर होने के कारण कम लगेगा, यानी कि इनवर्सली जो है आपका प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो फोर्स काम करता है आपका नाभिक में या न्यूक्लियस में, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स है ये आपका आकर्षक वाला है। ठीक है, तो ये आपका आकर्षण बल है जो कि न्यूक्लियस में काम करता है, समझ गए। तो कैसे काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स इज दैट विच विदाउट कंसिडरिंग द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉजेज अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है जो अट्रैक्टिव वाला है, उसमें जो है वो ये चार्ज को बिना कि इसमें जो है चार्ज को कंसीडर नहीं करते, हम चार्ज को हटा दें, उसके अलावा भी जो है अगर हम जो केवल प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें,
या न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की आपस की बात करें, इनके बीच भी लगातार क्या करता है, एक प्रकार का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम करता है। तो ये ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव नेचर इट इज स्ट्रॉन्ग, और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, समझ गए, जो इनके बीच काम करता है फोर्स एंड होल्ड टूगेदर द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड दस मेक्स द न्यूक्लियाई स्टेबल। तो अभी अभी हमने बात की कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स प्लस आपके प्रोटॉन्स होते हैं, तो उनको क्या कर रहा है, एक दूसरे के और ज्यादा पास लाता है ये फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, और इसके कारण से ये मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। ओके, या ये इतनी सी बात हो गई, तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे क्या चीज होगी। अब हम बात करेंगे वाई स्मॉल न्यूक्लियाई यानी कि लाइट न्यूक्लियाई आर स्टेबल वाइल बिग न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। तो हमने ज्यादातर एक चीज देखी है कि जो छोटे छोटे नाभिक हैं या छोटी न्यूक्लियाई हैं लाइट वेट वाले, वो तो इनस्टेबल हैं, लेकिन जो बड़े न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, ज्यादातर अनस्टेबल या उस रेडियो एक्टिव है, ऐसा कारण क्या है इसका, तो देखते हैं। फॉर स्मॉल न्यू एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विल बी स्मॉल, सो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिपल्सन, दैट वाई स्टेबल न्यूक्लियाई। तो सिंपल सी बात है, छोटे एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, हमेशा जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला है, जिसके कारण से कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से और ज्यादा बंधे होंगे, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से बंध जाएंगे, वो ज्यादा होगा किससे, वो जो उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और इस कारण से ये जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल इनका न्यूक्लियस हो जाएगा। वाइल फॉर हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें हैवी एलिमेंट्स कौन है आपका, जैसे 92 यूरेनियम 235, ये एक हैवी एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लिया जो है वो बिग है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसकी जो न्यूक्लिया है वो भी बड़ी होगी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो ज्यादा ग्रेटर वर्क करेगा बजाय किसके, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण जो है पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो इस वजह से न्यूक्लियर जो फोर्स अट्रैक्शन वाला है फोर्स, वो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, जो आपका रिपल्सन वाला जो है वो ज्यादा प्रभावी होगा इस स्थिति में, क्योंकि वो चार्ज के कारण ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, इसीलिए जो फोर्स ऑफ रिपल्सिंग रिपल्सन डोमिनेट्स कर जाएगा और न्यूक्लियर फोर्स बिकम अनस्टेबल, न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। तो इस कारण से दोस्तों ये जो बड़े हैवी वाले न्यूक्लियाई होते हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और इसी कारण से ये लगातार क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एमिट करके अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल कर पाए। जैसे कि आपका ये 92 यूरेनियम जो 235 है, ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स की बमबारी होने के बाद इसका फिजन हो जाता है आपका ये दो छोटे एलिमेंट्स के अंदर, और 3 न्यूट्रॉन्स ये निकालता है प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये सारे क्यों करता है, ये ताकि अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान करे, स्थायित्व की अवस्था में ला सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अब फैक्टर अफेक्टिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि आपके न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो नाभिकीय जो स्थायित्व है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, उसको बढ़ावा देते हैं। फॉलोइंग आर सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिपेंड्स, जिनके ऊपर आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है डिपेंड्स करती है। विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स वी कैन प्रेडिक्ट द वेदर अ गिवन न्यूक्लियाई आर स्टेबल और रेडियो एक्टिव। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहला फैक्टर, तो ये है आपके पास इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये पहला फैक्टर है। तो ये कैसा काम करेगा, एट प्रेजेंट मोर देन 900 न्यूक्लियाइड्स आर नोन। फ्रेंड्स, न्यूक्लियाइड्स जो है वो किसको कहते हैं, आपका न्यूक्लियॉन्स को ही, न्यूक्लियाई को ही जो है हम दूसरे नाम से न्यूक्लियॉइड्स के नाम से जान जाते हैं, इसको न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट मोर देन 900 न्यूक्लियाई आर नोन, आउट ऑफ दीज आर 272 न्यूक्लियाइड्स आर स्टेबल, और इनमें से केवल आपका केवल 272 जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल अवस्था में हैं। विच अदर आर रेडियो एक्टिव, बाकी सबके सब हमारे रेडियो एक्टिव यानी अनस्टेबल अवस्था में। ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
172 न्यूक्लियाइड्स हैव ग्रुप्ड इनटू फोर क्लास ऑफ शोन बाय बिलो टेबल। तो फ्रेंड्स यहां पर हम इन 272 जो न्यूक्लियाइड्स जो स्टेबल हैं उनको चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसी कैटेगरी है देख लीजिए। पहला कैटेगरी है इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड्स। यहां पर लिखा हुआ इवन पी इवन एन न्यूक्लियाइड्स, इसका मतलब है इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड्स। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो इवन होगी, और जो मास नंबर है जो कि ये दोनों इवन होगी तो मास नंबर भी इवन ही होगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है इन दोनों का एडिशन होता है। और ऐसे न्यूक्लियाइड्स की संख्या कितनी है आउट ऑफ 270, ये है आपका 160। ठीक है, यहाँ पर देखिए 272 है टोटल हमारे, उसमें से 160 तो यही वाले हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लीजिए ये हीलियम 2 हीलियम 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो 2 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या है 2 है यहाँ पर, और आपके पास अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो वो भी आपका एक इवन नंबर है, और यहाँ पर मास नंबर 4 है वो भी एक इवन नंबर है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये सारे ही एग्जाम्पल जितने भी हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इवन प्रोटॉन इवन न्यूक्लियॉन न्यूक्लियाइड्स के। सेकेंड आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है इवन प्रोटॉन ऑड ऑड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाइड्स। तो इसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स जो है वो तो इवन है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या ऑड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 O मतलब 8 ऑक्सीजन 17 है इसका, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 है जो कि इवन है, लेकिन अगर हम इसको माइनस करें 17 में से 8 को तो ये आएगा 9, यानी कि आपका न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो 9 है जो कि एक ऑड है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो यहां पर भी आपके पास कितना हो रहा है, ये आ रहा आपका 13 है ना, तो ये भी एक न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो ऑड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे ऑड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और ये इस प्रकार के जो हैं वो न्यूक्लियाइड्स हैं वो आइसोटोप वो कितने 56 है। इसी प्रकार से ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाइड्स हैं आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड और यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इवन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लिथियम 7 के अंदर ये जो 3 है ये क्या है एक ऑड नंबर है। इसी प्रकार 9F फ्लोरीन 19 के अंदर, 29 कॉपर 63 के अंदर, ये सारे जो है ऑड नंबर है, ऐसी संख्याएं 52 है, और ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूक्लियॉन दोनों ही ऑड, इस प्रकार के जो केवल 4 एलिमेंट्स इस प्रकार के बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल हैं इसके, आपके हाइड्रोजन लिथियम बोरॉन और नाइट्रोजन, ये दोनों ही आपके ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके आधार पर हमें क्या पता चला, द टेबल शोज दैट द मैक्सिमम नंबर यानी कि लगभग 85% ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई आर इवन प्रोटोन इवन न्यूट्रॉन टाइप। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो 85% के आसपास जो न्यूक्लियाई बनी है वो कौन सी बनी है, ये वाली इवन प्रोटोन इवन न्यूक्लियॉन टाइप। द प्रेजेंस ऑफ इवन प्रोटोन इवन न्यूट्रॉन टाइप आइसोटोप्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट शोज दैट द स्टेबल न्यूक्लियाई हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई पी पी एंड एन एन पेयर्स। तो कहने का मतलब है कि जो अर्थ की क्रस्ट है उस पर जो सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स हैं वो इस प्रकार के पाए जाते हैं, और ये जो टेंडेंसी है ये क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो ये सारे जो तत्व हैं जो कि 85% बन रहे हैं इवन, तो उन सब के अंदर क्या है पीपी या एन एन पेयर्स है। कहने का मतलब है प्रोटोन प्रोटोन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स इवन पेयर है। ठीक है, तो ये इसके कारण एक फैक्टर जो है इसका रिस्पॉन्सिबल आपने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। सेकंड जो फैक्टर हम बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो, आर एन बाई पी रेशियो। इसके अंदर क्या है, एक्सेप्टिंग लाइट एलिमेंट्स और एंड ऑर्डरिंग हाइड्रोजन यानी कि सॉरी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स कंटेनिंग बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, टेबल बिलो कंटेन्स एन बाई पी रेशियो वैल्यूज फॉर सम टेबल्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एन बाई पी यानी कि आपके जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उनका रेशियो अगर हम निकाल के देखें तो वो किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। तो जो लाइट, अगर हम लाइट एलिमेंट को छोड़ दें यानी हाइड्रोजन को छोड़ दें, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के अंदर आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कुछ ना कुछ संख्याएं होती हैं। तो उसके लिए हम इस टेबल को देख लेते हैं अगेन। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है आपका
यहाँ पर दिखाएगा प्रोटॉन्स की संख्या और ये न्यूट्रॉन्स की। तो हाइड्रोजन के अंदर तो दोनों एक एक ही हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। न्यून टेन टेन के अंदर आपके पास देख सकते हैं आपकी नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो भी 10 है और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी 10 है। इसी प्रकार कैल्शियम 20, तो इसके अंदर भी आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 20 है और आपके न्यूट्रॉन्स भी 20 है। तो अगर हम इनका रेशियो निकाल के देखें तो सब में जो है रेशियो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये आपके लाइट न्यूक्लियस इसके लिए हो गया। अगर हम 20 से ऊपर जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जैसे कि आपका 30 जिंक 64, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 30 हैं और न्यूट्रॉन्स जो है वो 34 हैं। कैसे निकाले, माइनस करके, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कीजिए 34 आ जाएगा। तो कितना जो है आपका रेशियो आएगा, ये आपका 1.13 हो गया। इसी प्रकार से आपका जिरकोनियम के अंदर आप देख सकते हैं 1.25 रेशियो हो रहा है, SN यानी टिन के अंदर 1.40 हो रहा है, ND यानी नियोडाइमियम के अंदर आपका 1.50 हो रहा है और Hg मर्करी के अंदर 1.53। तो हैवी जो न्यूक्लियाई है उनके लिए जो है इसका वैल्यू जो है NYP का ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो द टेबल शोज दैट NP NYP वैल्यू फॉर दीज स्टेबल न्यूक्लियाइड्स इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ NYP रेशियो फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स अप टू कैल्शियम इज इक्वल टू 1। तो कैल्शियम तक की जो न्यूक्लियाइज हैं उनके लिए NYP जो रेशियो है वो आपका 1 के बराबर है। बल्कि और जो अदर न्यूक्लियाइज हैं उससे ऊपर वाले जिनको कि हम हैवी न्यूक्लियाई कहते हैं, भारी नाभिक कहा जाता है, तो ये जो भारी नाभिक हैं आपके, भारी नाभिक यानी कि हैवी न्यूक्लियाई, तो इनके लिए ये ग्रेटर देन है आपका 1, क्या आपका NYP रेशियो, ठीक है, NYP रेशियो। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगला मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट या इसको कह सकते हैं आपकी मास के अंदर जो चेंज आया है, सिंस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल इज नेग्लिजिबल। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो परमाणु होता है यानी एटम होता है उसका जो ज्यादातर या ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास जो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, तो इसीलिए हम उसके मास के अंदर क्या करते हैं, जो उसका न्यूक्लियस का मास होता है उसी को हम क्या करते हैं आपको मानते हैं, और जो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सेल के अंदर उनका लगभग नेग्लिजिबल उसके मास को मानते हैं। होता है कि नहीं होता है, ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इफ इट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर देन इट हैज बीन फाउंड दैट द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम एज डिटरमाइंड बाई मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द मासिस एम डैश फॉर ऑल प्रोटॉन्स ऑल न्यूट्रॉन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, सो दैट एम डैश इज लेस देन सॉरी एम इज लेस देन एम डैश। तो कहने का क्या मतलब हुआ इसका, इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि अगर हम उसके जो चारों तरफ एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका जो ऑल जितने भी उसमें न्यूट्रॉन्स हैं इन सभी के वेट को कैलकुलेट कर लें, तो उसके बाद जो है वो अगर उसका हमने माप के देखा स्पेक्ट्रोग्राफ से, तो ये हमेशा क्या होगा, कुछ कमी इसके अंदर देखी जाएगी जो कि इनका टोटल होगा। समझ रहे हो, यानी कि जो टोटल अगर हमने वेट निकाला है वो क्या निकाला है आपका, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स ऑल न्यूट्रॉन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स, वो आपका एम डैश हो गया। और जो हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम मानते हैं कि किसमें कंसंट्रेट होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, तो वो एम है, तो एम डैश हमेशा एम से कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, उसके अंदर थोड़ा बड़ी मतलब वो थोड़ा ज्यादा होगा, समझ गए। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में एम डैश और एम का, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट या मास लॉस इसको कहा जाता है, मास डिक्रीमेंट या डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मास के अंदर इतना डिक्रीमेंट आया है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको डेल्टा एम बराबर एम डैश माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वेयर एम डैश जो है यहां पर मासेज ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड ऑल न्यूट्रॉन्स एंड और इलेक्ट्रॉन्स है, और एम जो है वो एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एटम जो है जो स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से फाइंड हुआ है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये इतनी सी बातें आपने याद रखनी है मास डिफेक्ट के अंदर। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियस, मास इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी व्हिच इज रिलीज इन द प्रोसेस। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यहां पर सिंपल सिंपल सी बात है कि आपके पास जो भी आपके एनर्जी प्रोड्यूस होगी है ना, तो वो एनर्जी जो है वो किसके किसके थ्रू प्रोड्यूस होगी, जो मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा उसी की, वही जो है एनर्जी किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो वही कह रहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपस में कंबाइन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और जहां पर जो है वो उनके अंदर का जो कुछ मास होगा वो क्या करेगा, एनर्जी में ट्रांसफर करेगा। विच रिलीज इन द प्रोसेस, द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कॉल्ड और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो यही एनर्जी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी, और उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए हमें इतने एनर्जी जो है वो बाहर से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कि बेसिकली जो आपके न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनको पास आने के कारण उसमें कुछ मास का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और वो किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही आपका मास डिफेक्ट है, और ये आपके यही जो है आपका क्या करेगा, ये जो प्रोसेस में जो ये एनर्जी निकल रही है बाइंडिंग एनर्जी है। इफ द मास लॉस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज डेल्टा AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो है हमने मान लिया कि ये डेल्टा एम AMU के बराबर है, देन द एनर्जी इन विच दिस लॉस्ट मास इज कन्वर्टेड इज इक्वल टू। तो हमें अगर एनर्जी को बताना है, एनर्जी टोटल कितनी होगी तो किसके बराबर होगी, डेल्टा एम इंटू 1 AMU। तो 1 AMU की जो वैल्यू है वो कितनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इसीलिए इसके हिसाब से हमारे पास जो मास डिफेक्ट यानी कि बी है उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है, मास जो बाइंडिंग एनर्जी बी है वो इज इक्वल टू हो जाएगी मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। समझ गए, स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर ऑफ द आइसोटोप्स कैन मेड फ्रॉम द प्लॉट डाउन। तो ये इसके लिए अगर हम एक प्लॉट को खींचें कुछ इस प्रकार से, किसके बीच में मास नंबर, ये मास नंबर को इस एक्सिस पर दिखाएं और यहां पर हम जो है आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को दिखाएं, तो इनके बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या शो करता है, यहाँ पर सीधी रेखा शो करती है। द ग्राफ शोज दैट मास नंबर ऑफ द आइसोटोप इंक्रीजेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपका मास बढ़ रहा है वैसे वैसे ये स्टेडी रूप से जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है, तभी तो ये मास जो है ग्राफ इस प्रकार का बना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका मास जो नंबर है उसके ऊपर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है, जितना बड़ा जो है मास नंबर होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। इन केस ऑफ टू और मोर आइसोटोप्स हैविंग द सेम मास नंबर, द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप हैविंग हायर बी डैश इज मोर स्टेबल। अब बात है कि यहां पर बात हो रही है कि मास नंबर के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि दो यहां पर कोई आइसोटोप प्रेजेंट हो, जिस क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है, सेम जो है आपके दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक जैसा आपका एटॉमिक मास होता है ना, तभी तो वो आइसोटोप कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर दो वहां पर प्रेजेंट है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या, बी डैश। तो बी डैश क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो बी डैश दोस्तों यहां पर बी डैश से मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स यानी कि बी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो ये जो फॉर्मूला है इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अब यहां पर जो ऊपर दिख रहा है आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हम अभी अभी बात कर चुके हैं किसके बराबर होती है, डेल्टा एम इंटू 931.5 के बराबर। और जो नीचे है आपका, ये तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात कर रहा है, देखिए
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस कारण से इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या इसको हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर ए भी लिख सकते हैं, जहां पर ए क्या होगा, मास नंबर होगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के जो है ये बी डैश जो है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में जो जिसकी ज्यादा ये होगी, अगर आइसोटोप है तो ज्यादा नंबर ऑफ बी डैश जिसका होगा वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई शो करेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा कुछ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शंस की। क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस? दीज आर द रिएक्शंस इन विच द एलिमेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू द अदर अदर एलिमेंट्स, सॉरी यहां पर क्या होगा, अदर कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट होगा, यहां पर अदर एलिमेंट, बाय एमिटिंग अल्फा बीटा पार्टिकल्स, जिसको कहते हैं आपका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, या तो तुरंत जो है आपका डिसइंटीग्रेट होगा पार्टिकल और एमिट करेगा, क्या करेगा, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, और बाय बॉम्बार्डिंग इट विथ सुटेबल बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स। तो दो स्थितियां होती हैं, या तो हम नेचुरली जो है ये कुछ अल्फा बीटा पार्टिकल्स को जो है एमिट करते हैं और इससे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन देखा जाता है, दूसरा क्या होता है कि हम इसको बाहर से जो है उस पर बॉम्बार्डिंग करते हैं कुछ सुटेबल पार्टिकल्स की, जैसे कि आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका जो क्या कहलाएगा, ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इसको कहा जाता है ऑफ एलिमेंट। दीज रिएक्शंस द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट अंडर गो ए चेंज इन इट्स कंपोजिशन। तो बेसिकली इसके कंपोजिशन में कुछ चेंज हो जाता है और यही आपका न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 92 यूरेनियम 238 ये आपके 90 थोरियम 234 में बदल गया, तो ये आपके नेचुरल आपका डिके है जिसके अंदर आपका अल्फा पार्टिकल्स जो है आप खुद ही जो है रिमूव हो गया और ये थोरियम के अंदर चेंज हो गया। इसी प्रकार से आपका 90 जो थोरियम 234 है ये सेल्फ डिके होकर आपका 91 पीए 234 के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पर जो एक बीटा पार्टिकल्स है वो रिमूव हुआ है। तीसरा जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से है, 7 न्यूट्रॉन 14 जो कि स्टेबल न्यूक्लिया है। अब यहां पर जो है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन हम करेंगे किसके माध्यम से, अल्फा पार्टिकल्स के माध्यम से बॉम्बार्डिंग करके ये चेंज हो गया आपका 8 ऑक्सीजन 17 के अंदर, एंड यहां पर एक ये मॉलिक्यूल जो है आपका निकल के आ गया, समझ गए, ये पार्टिकल रिमूव हुआ है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के बात है कि दो प्रकार से आपका हो सकता है, एक तो आ गया आपका नेचुरल तरीके से आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, दूसरा आपके ट्रांसम्यूटेशन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन उचित जो है कणों की बमबारी के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच एन अनस्टेबल हैवियर न्यूक्लियस ऑन बीइंग बॉम्बार्डिंग बाय स्लो मूविंग न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन्स स्प्लिट अप इनटू द टू लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल साइज ऑफ लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो फ्रेंड्स यहां पर बेसिकली न्यूक्लियर जो फिजन है उसमें आपके दो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा अनस्टेबल उनके न्यूक्लियस होते हैं। अब इनके ऊपर जैसे ही बम्बार्डिंग की जाती है आपके न्यूट्रॉन्स की, जो कि काफी स्लो होते हैं, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है लिबरेट होती है। जैसे कि इसका सबसे सुटेबल एग्जाम्पल दिया जाता है वो आपका 92 यूरेनियम 235, यहां पर जो न्यूट्रॉन्स हैं 0N1 से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ये जो है इसकी बॉम्बार्डिंग की जाती है। बॉम्बार्डिंग करने के बाद ये 56 बेरियम 141 में टूट गया पहला एलिमेंट, और दूसरा 36 क्रिप्टन 96 इन दो के अंदर टूट गया, और तीन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इसमें रिलीज हुए हैं, साथ के साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपका कहलाएगा आपके न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि यहां पर यह क्या हुआ है, बड़े जो न्यूक्लियर है उसका विखंडन हुआ है दो छोटे न्यूक्लियस के अंदर। द रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट इन दिस रिएक्शन सम मास इज लॉस्ट
सो बेसिकली ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है दोस्तों, ये कहाँ से हो रही है? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कुछ जो है न्यूक्लियस में जो मास है उसको उसका लॉस हो गया है, और वो जो मास का लॉस है, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो तो कॉन्स्टेंट रहनी जरूरी है, तो इसीलिए वो मास कहाँ हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर बात करें एनर्जी रिलीज की, तो वो कितना होगा, मास लॉस अपॉन इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद, जो अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा था कि जो डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट इंटू ये एक एमयू की जो वैल्यू है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर है। अगर हम दोनों साइड का कैलकुलेट करें तो हम रिएक्टेंट पे सबसे पहले बात करेंगे। तो रिएक्टेंट में हम दो ही चीजें हैं, एक तो है मास किसका, यूरेनियम 235 का, और दूसरा मास है किसका जो हमने बॉम्बार्डिंग की है न्यूट्रॉन्स की। तो 235 वाले का तो 235 ही होगा। अब जो कि यहाँ पर हम उसको एग्जैक्ट नाप रहे हैं, तो इसलिए इसमें पॉइंट में भी इसको दिखाना जरूरी है। तो ये 235.0444 हो जाएगा, लगभग 235। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1 है, तो इसको 1.008 दिखाया है। तो टोटल ये हो गया 236.052 AMU के बराबर हो गया। ये हो गया आपका मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल दिया। अब अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें, टोटल जो प्रोडक्ट बना है, तो उसमें हम मास ऑफ 56 जो हमारा बेरियम बना है जिसका कि मास 141 है उसका देखेंगे, और मास ऑफ क्रिप्टन जो 36 वाला बना है उसका देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजें तो ये बनी है, साथ के साथ तीन हमारे पास क्या बने हैं, न्यूट्रॉन्स बने हैं। तो 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया आपका 91 जो कि क्रिप्टन का है, 141 जो है आपके किसका है, बेरियम वाले का। ये पॉइंट में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो लिखी हुई है, ताकि जो है सही मास कितना जो है लॉस हुआ है वो निकाला जा सके। एंड 3 इंटू 1.001 यानी कि न्यूट्रॉन का मास है वो 1 के बराबर है। तो टोटल ये ऐड करके हो जाएगा 235.837 AMU के बराबर। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकाल दिया। अब हम मास लॉस निकालेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए कितना मास जो है डिफेक्ट हुआ है। तो माइनस करने पर हमें पता चला कि ये 0.215 मात्र जो है आपके इतने AMU आपका मास डिफेक्ट हुआ है। तो एनर्जी जो है वो इसी मास जो लॉस हुआ इसी की कारण से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी, 0.215 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपके 210.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर ये जो एनर्जी है ये कितनी रिलीज होगी। समझ गए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दस वी कैन सी दैट 200.27 मेगा इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी इज ऑब्टेन बाय फिजन ऑफ वन एटम ऑफ 200 यूरेनियम 202 न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस का जब हम इस प्रकार से फिजन करेंगे यूरेनियम 235 का, इतनी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। समझ गए, तो ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को कैलकुलेट करने के उसमें काम आएगा कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फिजन रिएक्शन की, क्या क्या फिजन रिएक्शन टाइप होते हैं। तो हम जानते हैं दो प्रकार से आपका मुख्यतः फिजन जो रिएक्शन है वो होती है। पहला है आपके अनकंट्रोल्ड एंड दूसरा है कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनकंट्रोल्ड और एक्सप्लोसिव फिजन रिएक्शंस। तो क्या है अनकंट्रोल्ड और एक्सप्लोसिव, देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फिजन रिएक्शंस नन ऑफ द थ्री न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन द फिजन एस्केप आउट एंड फर्दर डू द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूसेस थ्री न्यूट्रॉन्स एंड हीट एनर्जी। तो बेसिकली आपने रिएक्शन जो अभी ऊपर देखी उसके अंदर हमने एक चीज नोटिस की है कि वहां पर जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो उसमें जो है तीन आपके न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो अनकंट्रोल है उसमें ये जो तीनों ही रिएक्शन है, तीनों ही न्यूट्रॉन निकले हैं, ये क्या करेंगे, फर्दर डू फिजन ऑफ 235 न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूस थ्री न्यूट्रॉन्स, यानी कि तीन और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे
और साथ के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सो द चेन रिएक्शन स्टार्ट एंड प्रोड्यूस एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी विच कॉज एक्सप्लोजन, सो इट इज डिस्ट्रक्सिव रिएक्शन यूज इन एटोमिक बॉम्ब। तो खैर ये किस प्रकार से एटोमिक बॉम्ब के अंदर काम करती है ये चेन रिएक्शन में आप समझ सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि ये एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये सबसे पहले एक न्यूट्रॉन्स की बमबारी की गई। लेकिन जब हमने इसको बमबारी करा तो ये दो शॉट जो है न्यूक्लियाई के अंदर टूट तो गया, लेकिन साथ के साथ इसने ये तीन जो है न्यूट्रॉन्स रिलीज कर दिए, यहां देख सकते हैं आप, है ना। और ये जो तीनों न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर जो है आप अटैक करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा यूरेनियम जो है वो टूट चुका होगा, जो आगे यूरेनियम होगा अगेन उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। ये कुछ दिख रहा है आपको इस तरीके से, है ना, ये यूरेनियम जो है उस पर अटैक करेंगे। तो जब ये यूरेनियम पर अटैक करेंगे हर बार क्या होगा, अगेन जो यूरेनियम है वो बेरियम 56 के अंदर और 36 क्रिप्टन के अंदर टूटेगा और अगेन तीन आपके पास न्यूट्रॉन जनरेट करें। अगेन ये जो तीन है ये अगेन फर्दर क्या करेंगे, इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर अटैक करेंगे और अगेन जो है वो तीन और जनरेट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर 9 हो चुके हैं, फिर यहां से आगे और ज्यादा क्या हो जाएंगे, इस इन वाले जो तीन है इससे भी 9 डेवलप होंगे, फिर इससे भी 9, इससे 9, तो ये 9 कितना हो जाएगा 27 जो है आपके पास टोटल आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है इसमें जो हमारे पास ये तीनों के तीनों जो न्यूट्रॉन से ये अटैक कर रहे हैं लगातार, और ये चेन जो है वो और बड़ी बनती जा रही है। तो ये जो चेन है ये लगातार बड़ी बन रही है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि यहां पर हर बार जब ये चेन पे ये न्यूट्रॉन निकलते हैं तो साथ के साथ इससे साथ लार्ज अमाउंट ऑफ ईएन एनर्जी भी रिलीज होती जा रही है, और ये जो एनर्जी है ये एक करे बड़ा धमाका करेगी जिससे कि एटॉमिक बॉम्ब इससे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने अनकंट्रोल और एक्सप्लोसिव रिएक्शन देखी, अब हम बात करेंगे कंट्रोल्ड फिजन या रिएक्शन की बात करेंगे। इट इफ इफ ऑफ टू ऑफ द थ्री सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय कैडमियम और बोरोन रॉड्स बिफोर दे कैन कॉज द फिजन ऑफ द अदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई, देन ओनली वन न्यूट्रॉन्स लेफ्ट विच कॉजेज द फिजन ऑफ अदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, दिस फिजन रिएक्शन प्रोसीड एट स्टेडी एंड स्लो रेट्स एंड हेंस कंट्रोल्ड अब अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन के अंदर हम ऐसा कर दें अगर कि ये जो दो तीन न्यूट्रॉन्स हैं इसमें से दो को हम अवशोषित कर लें, किसके माध्यम से, कैडमियम रॉड के माध्यम से या किसी और माध्यम से, एक ही जो है वो केवल आगे अटैक कर पाए, तो एक ही अटैक करने के कारण अगेन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करेगा, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो जो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो आपके जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स होंगे उसके अंदर यूज की जा सकती है। तो किन किन चीजों में यूज हो सकती है, सो पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज यूज इन, तो एटॉमिक एनर्जी जो है वो यूज होती है आपका जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के अंदर, आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें यूज होती है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर डिजीज के अंदर यूज होती है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्षेत्र के अंदर भी यूज होती है। तो ये सारे इसके शांतिपूर्ण उपयोग किए जा सकते हैं। बाकी आपके इसके अंदर जो मेटलर्जी हम पढ़ते हैं उसमें हम इसके अंदर ये चीज जो आपका एटोम ये न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे हम बात करने वाले हैं दूसरी जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल हैवी एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो ये हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है ये आपस में जो है वो कंबाइन करके फ्यूजन करते हैं तो ये कुछ हीलियम का न्यूक्लियस बना लेंगे और इतनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो कहने का मतलब दो छोटे न्यूक्लियस हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे और वो एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे और इस तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये जो रिएक्शन है दोस्तों ये आपका आपके जो सन होता है उसके अंदर या स्टार्स होते हैं उसके अंदर भी चलती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। यहाँ पर और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, दोनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये मिलकर आपके हीलियम का ये तीन वाला जो आइसोटोप है ये बन गया और 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हुई। इसी प्रकार जो है 13 जो है आपका कार्बन वाला जो आइसोटोप है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर
ये कुछ 7 नाइट्रोजन 14 जो एक एलिमेंट है ये बनाएगा, और ये 7.55 मेगा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है उसको रिलीज करेगा। तो ये सारी एनर्जी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ 2HE4 न्यूक्लियस बाय द फ्यूजन ऑफ 4 1H1 न्यूक्लिया। तो चार जब हम इस प्रकार के न्यूक्लियर हाइड्रोजन के आपके कंबाइन करते हैं, तो उससे हमारे पास बनता है एक हीलियम का बड़ा न्यूक्लियस, और साथ के साथ हमारे पास निकलते हैं दो जो हैं वो पॉजिट्रॉन्स। तो ये इसमें जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि किसके बराबर है, 4 × हाइड्रोजन के मास के बराबर है। तो हाइड्रोजन का मास जो है 1 है, या एग्जैक्ट मास इसमें लिखना होता है, तो इसलिए 1.007826 के बराबर लिखा हुआ है, जो कि लगभग 4.031304 AMU के बराबर होगा। अगेन हम बात करें मास ऑफ द प्रोडक्ट की, जो हम प्रोडक्ट बनाया है, तो उसमें हीलियम निकला है और दो पॉजिट्रॉन निकले, तो मास ऑफ हीलियम प्लस 2 × मास ऑफ 1 पॉजिट्रॉन। तो एक जो मास है उसका हीलियम का, वो लगभग 4.0026 के बराबर होता है, और साथ के साथ 2 × मास ऑफ पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, वो 0.0005486 के बराबर होता है। तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा 4.0036972 AMU के बराबर। तो ये मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अब मास लॉस कितना हुआ है, तो ये प्रोडक्ट में से आपका रिएक्टेंट माइनस करेंगे, तो ये 0.0276052 AMU के बराबर हो जाएगा। और अब हमें निकालना है एनर्जी रिलीज, तो जितना ये मास का डिफेक्ट आया है, इसी से हमको एनर्जी रिलीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीलियम पता चलेगा, जो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 AMU की जो वैल्यू है, 1 AMU यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट की, वो 931.5 MeV के बराबर होती है। समझ गए आप लोग, इसीलिए यहाँ पर ये आया, और ये टोटल मल्टीप्लाई करके आपका 225.714 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने ये एनर्जी जो है कैलकुलेट की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के में इतना ही है, हमने जो है जितनी भी चीजें थी वो सारी डिस्कस की है। ठीक है, तो अभी जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ जो है मैं नए यूनिट के साथ, जो कि नई यूनिट के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से आप देखते रहिए वीडियोस को, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। अभी के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।